सो गाइस, आप जो चेयर देख रहे हो वर्ल्ड की पहली चेयर है जिसके ऊपर आप बैठ के काम कर सकते हो, हेयर कट कर सकते हो, शेविंग कर सकते हो, ब्राइडल मेकअप, आईब्रो सब कुछ कर सकते हो, राइट। ये दुनिया की पहली चेयर हम लोगों ने पर्सनली खुद इन्वेंट की है और इसको हम लोगों ने पेटेंट लिया अंडर पीसीटी फॉर 148 कंट्रीज। तो इसके ऊपर आप कोई भी काम कर सकते हो, हर डायरेक्शन में घूम सकते हो और बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर सकते हो, राइट। और इसके वजह से आपको पैरों की जो तकलीफ है, वेरिकोस वेंस, वो लाइफ में कभी नहीं होने वाली। सो इसके पूरे फीचर्स, प्राइस, डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हाय गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज मोहसिन शेख एंड यू आर वॉचिंग मोहसिन शेख ब्लॉग्स। तो आज फिर मैं आ गया हूँ अभिजीत सर के साथ। तो सर कैसे हो आप? बस बढ़िया है सर। तो सर आज क्या इंटरेस्टिंग बताने वाले हो आप? सर आज मैं जो बताने वाला हूँ वो सिर्फ सिंगल पीस है। हाँ हाँ। और एक ही चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके। और वो चेयर दुनिया की फर्स्ट चेयर है। हाँ? जिसको हम लोगों ने खुद डेवलप किया है, वो वर्ल्ड में, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ। पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और जिसका हम लोगों ने पेटेंट लिया है लीगली। तो उसको हमारे सिवा दूसरा इंडिया में क्या 140 कंट्रीज में कोई नहीं बना सकता। अच्छा। yes. तो गाइस ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस सर। ओके। तो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग को बहुत अच्छा चांस मिला है सलून के अंदर शूट करना, वरना सलून कभी खाली नहीं रहती है और लॉकडाउन की वजह से आप देख सकते हो पूरी खाली पड़ी हुई है। तो आज हम लोग आपको वीडियो में लाइव डेमो देने वाले जिसमें अभिजीत सर ने सर को सेल किए थे प्रोडक्ट। yes. करेक्ट। जो कि आप जो चेयर के बारे में बता रहे थे, जैसे कि जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट चेयर है जो कि आपने इन्वेंट की हो और एकदम यूनिक चीज़ है वो। yes. यूनिक प्रोडक्ट है। तो सर आपको कितना टाइम हो गया था वो प्रोडक्ट परचेज करके? परचेज करके 5 साल हो गए। 5 साल हो गया। तो आपको कुछ प्रॉब्लम आए? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके। तो आपका फीडबैक कैसा है उसके लिए? एकदम ठीक है। ओके। तो हम लोग जो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज अब आपको सर एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में। तो सर स्टार्ट करते हैं। यस सर। ये दुनिया की पहली चेयर है जिसके ऊपर सलोन वाला या ब्यूटी पार्लर, लेडीज जेंट्स कोई भी बैठ के काम कर सकता है। ओके। इसके ऊपर आप 360 डिग्री में राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक आराम से काम कर सकते हो। हाँ, 360 मूव कर सकते हो। यस सर। इसको नीचे रिंग दिया रहता है। हाँ हाँ। इसके ऊपर आपको स्टीयरिंग की तरह यूज करना होता है। ओके। और ये जो सीट है आप एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा। हाँ हाँ। के लिए आप पीछे भी जा सकते हो, शेविंग के लिए आप नजदीक आ सकते हो, काम कर सकते हो। ओके। मतलब एकदम कॉम्पैक्ट है, इजिली मूवेबल है। यस सर। ओके। फर्स्ट चेयर। हाँ हाँ। तो सर जो मेरा एक क्वेश्चन था वो ये था कि इस पे वेट क्या हो सकता है, जैसे कि आप कस्टमर का या किसका? दोनों का सर। सर अगर मैं सलून वाला हूँ तो मेरा वेट अगर 150 किलो का भी होगा तो भी ये चेयर टिल्ट नहीं होने वाला। ओके। क्योंकि पूरी चेयर का वेट जो है 180 kg का है। हाँ हाँ। राइट। तो इसको मेरा वेट अगर 150 है और कस्टमर का भी 150 है फिर भी कुछ नहीं होने वाला। करेक्ट। तो जैसे कि ये तो लाइव डेमो ही मिल गया है कि सर हेयर स्टाइलिस्ट के जगह पे बैठे और कस्टमर का एम्प्टी है, बट फिर भी देखो सर आप पैर थोड़ा उठाएंगे तो उस पर आप देखोगे कि आगे का जो कस्टमर का पोजीशन है, जो सीटिंग स्पेस है, वो उठ रहा नहीं है वेट के वजह से। तो मतलब दोनों का वेट एकदम प्रॉपर डिवाइडेड है। तो इस पर कितने भी वेट का बैठ सकता है प्रॉपर। तो सर जैसे कि कस्टमर्स का सीटिंग पोजीशन है और हेयर स्टाइलिस्ट का सीटिंग पोजीशन है, तो सर ये स्पेस बहुत खाता होगा। नहीं सर, अभी देखिए, मैं ये आप पहले तो शॉप देख लीजिए। हाँ। शॉप कुछ तो 100-125 स्क्वायर फीट का ही शॉप। करेक्ट। राइट। हाँ, हाँ। इसमें हम लोगों ने 2 चेयर आराम से कंफर्टेबली बिठाया। हाँ, हाँ। राइट। अभी पर्पज ये है कि आप बैठ के काम कर रहे हो। अगर मैं बैठ के काम कर रहा हूँ तो मैं इतनी जगह ले रहा हूँ। हाँ, हाँ। और मैं खड़े रह के भी काम करूंगा तो इतनी ही जगह लगने वाली। हाँ, हाँ। बहुत ऐसा क्लोज होके भी नहीं काम करने वाला। करेक्ट। और एकदम दूर से भी नहीं करने वाला। हाँ, हाँ। तो आप नॉर्मल चेयर को जितनी जगह लगती है उतनी ही हमारी चेयर को लगती है। करेक्ट। अभी आप देख लीजिए, मैं खड़ा हूँ ये पोजीशन में और ये पोजीशन में मैं बैठा भी। राइट। तो इतना ही जगह हो रहा है। करेक्ट। और हर जगह में हर साइड से आपको इतना जगह तो छोड़ना ही पड़ता है अगर आप नॉर्मल चेयर भी खरीदोगे। हाँ, हाँ। तो ये चेयर ज्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं करती। करेक्ट। तो
बहुत शॉर्ट, अगर ये 100 square feet में अगर बैठ रही है तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी प्रोवाइड करते हो, तो अगर कोई कस्टमर या किसी को पसंद आती है वो ऑर्डर करना चाहता है तो फिर उसको कैसा प्रोडक्ट मिलने वाला है? ऐसा फुल पैक मिलेगा या पार्ट्स में डिवाइड होके मिलेगा? सर ये एज इट इज आएगा। हाँ हाँ, इसको पैकिंग करके आएगा। ओके, सिर्फ आपको गाड़ी से उतारना है। हाँ, हाँ, के साथ में रख के काम चालू करना है। ओके, इसको एक स्क्रू नट बोल्ट भी टाइट नहीं करना है। ओके, आपको आइडिया कहाँ से आया? सर ये आइडिया, जैसे कि अभी हमारे एक दोस्त है जिनको वेरिकोस वेन का तकलीफ था। ओके, तो कंटिन्यू हर दिन खड़े रहते थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि यार बहुत तकलीफ हो रही है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने उनके लिए ऐसी चेयर बना के दे दी। तो उन्होंने उनकी ग्रुप्स में वो चेयर की खुद की वीडियो बना के अच्छा भेज दी। हाँ, हाँ। इतनी वायरल हो गई कि मेरे को जम्मू दिल्ली किधर किधर से लोग कॉल करने लगे। ओके, और इस रीजन से ये फैक्ट्री हमारा चालू हो गया। तो आप देख सकते हो कि किधर से इन्वेंशन हुआ है। तो आई गेस वो अंकल फर्स्ट यूज किए होंगे और yes. उनके वजह से इन्वेंट हो गया ये चीज़। बट ये क्रेडिट आफ्टर ऑल आपको जाता है कि yes. आपने इतना दिमाग लगाए होंगे वो चीज़ पे कि आपने ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर की है उसमें। yes. और फिर सेकंड सर, इसका लाइफ के बारे में बता दीजिए। सर अभी देखिए लाइफ है जो कि हाइड्रोलिक का, इसको भी आप बैठे बैठे ही ऊपर नीचे कर सकते हो। करेक्ट, आप पंप करोगे तो ये इतना ऊपर जाने वाली। हाँ हाँ, राइट। तो अगर इधर कोई बच्चा भी बैठेगा तो भी मैं उसका काम बैठे बैठे ही कर सकता हूँ। हाँ, राइट। हाँ। और इसको दबा के रखोगे तो भी ये अपने आप नीचे जाएगी। ओके सर, वैसे अगर कोई कस्टमर उधर बैठता है उसका पोजीशन अप एंड डाउन हो जाएगा। हाँ। बट जो हेयर स्टाइलिस्ट है हाँ। उसका पोजीशन होगा? उसका नहीं होगा सर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। स्टैंडर्ड पोजीशन, कस्टमर को ऊपर नीचे करना है आपके एडजस्टमेंट के लिए। ओके ओके, मतलब वो एक प्रॉपर पोजीशन पे है जो कि होना चाहिए स्टाइलिस्ट का, हेयर स्टाइलिस्ट का। यस। ओके, दूसरा चीज है इसको रिक्लाइनर भी, ये भी आगे पीछे रिक्लाइन होने वाला है। अच्छा, रिक्लाइन भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने दूसरे वीडियोस में भी आपको बताया कि 5 साल का रिक्लाइनर का वारंटी है और हाइड्रोलिक का 1 साल का रिप्लेसमेंट गारंटी। ओके, अभी ये चेयर स्पेशली मैं आपको दिखाना क्यों चाहूंगा, क्योंकि ये 5 साल पहले मैंने सेल की हुई चेयर। करेक्ट, आज भी इसका रेजिन देख लीजिए, आज भी इसका स्टिचिंग देख लीजिए, आज भी पूरी चेयर की कंडीशन देख लीजिए। हाँ, आप देख सकते हैं केवल कंडीशन 5 साल बाद। जैसे कि हम लोग ने शॉप के ओनर से भी बात की है, उन्होंने खुद ने बोले कि इसको ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गया उनको यूज करते हुए, तो उनको भी अच्छा रिजल्ट है। और हम लोग पर्सनली इधर विजिट करके इसके लिए शूट कर रहे हैं कि आपको लाइव डेमो दिखा सके कि 5 साल यूज करने के बाद भी उसकी कंडीशन A1 कंडीशन में अवेलेबल है। और सर जो बाकी इधर पार्ट्स प्रोडक्ट अवेलेबल है थोड़ा उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। बाकी जैसे फिर हम लोगों ने इनको ट्रॉलीज भी सेल की थी। हाँ हाँ, उसके बाद में नॉर्मल जो चेयर है वो भी दी थी, बट स्पेशली ये चेयर को हम लोगों ने बहुत ज्यादा इनके यहाँ पे फोकस किया था। करेक्ट। अभी इसका और एक चीज मैं आपको बताऊंगा। हाँ हाँ, ये जो रॉड है ये पूरा सॉलिड बार है। अच्छा, पाइप नहीं। तो इसको बेंड करना भी होता है ना, तो इसको गर्म करके हमको बेंड करना पड़ता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी 5 साल हो गए ये सर यूज करके भी 1 इंच से भी रॉड नीचे नहीं हुआ या टूटा नहीं या ब्रेक नहीं हुआ। मतलब कोई हैवी वेट भी बैठता है तो कुछ बेंड होने का कोई इशू नहीं। 5 साल पहले सिर्फ एक ही था कि इसको बोल्टिंग करना पड़ता था। अच्छा, यहाँ पर ये फर्श में इसको बोल्टिंग करना पड़ता था। अच्छा, फिक्स होता है। पर ये बहुत तकलीफ होता था। तो अभी जो नया लेटेस्ट चेयर आया है तो उसमें हम लोगों ने बेस ही बदल दिया है। उसको इतना मोटा 100 किलो का सिर्फ बेस दिया है हम लोगों ने, तो वो मूव नहीं होएगा उसके वजह से, वेट के वजह से। तो उसको आपको बोल्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, उसको आपको सिर्फ रखना है। ओके, हाँ, इसको बोल्टिंग करना पड़ता है। हाँ, उसका बेस ही हम लोगों ने एक्स्ट्रा वेट देके रखा 100 किलो का। अच्छा, उसके वजह से उसको बोल्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो फिर बस मूव हो जाए, मूव भी हो जाएगा। अगर 5 लोग मिलकर उसको खींचेंगे तो वो मूव हो जाएगी। अच्छा, उठाने के लिए 5 लोग लगते हैं। अच्छा, मतलब वेट हो जाएगा उसमें 180। ओके, तो सर अब बात करते हैं इसका मेन प्राइसिंग की। सर इसकी प्राइसिंग रेंज है कम से कम, अगर मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि वॉल्यूम में लोगे तो और भी डिस्काउंट में मिलेगा। करेक्ट करेक्ट, बट एक बेसिक है इसका 28 से लेके मेरे पास में 35-40 तक इसका रेंज है, 40,000। ओके सर, वैसे इसकी लाइफ क्या रहती है? सर अभी 5 साल में तो आपके आंखों से कंडीशन देख। करेक्ट, राइट। और इसको कम से कम 10 साल कुछ भी नहीं होने वाला। बट सर अगर कोई आपसे न्यू परचेस करता है तो उसको क्या ऑफर मिलने वाला है?
सर ऑफर जो अगर आपके कोई सब्सक्राइबर आपके रेफरेंस थ्रू आते हैं तो उनको मैं 100% उनको कुछ ना कुछ अच्छा डिस्काउंट तो करके ही दूंगा। ओके, वैसे सर आपका नॉर्मल इस पे क्या है गारंटी वारंटी? सर देखिए अभी ये जो बेरिंग्स है जैसे कि इसको आगे पीछे करना होता है इसको इसको है 1 साल का वारंटी। ओके, हाइड्रोलिक को है 1 साल का रिप्लेसमेंट का गारंटी, रिप्लेसमेंट का। रिक्लाइनर को है 5 साल का रिप्लेसमेंट का गारंटी। हाँ राइट, और जैसे स्टील हैंडल है इनको लाइफ लॉन्ग आप आज भी देख सकते हो 5 साल बाद हर बार सलून में स्प्रे किया जाता है पानी फिर भी जंग लगा नहीं है वैसे के वैसा ही है। हाँ, इसको लाइफ टाइम का एंटी रस्टिंग का गारंटी। ओके, अगर ये रॉड नीचे बेंड हो गया टूट गया उसको तो लाइफ टाइम का वारंटी। करेक्ट, तो आपको लाइफ भी इसकी पूरी मिल रही है और गारंटी वारंटी भी अच्छी खासी मिल रही है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कॉल करो और अगर विजिट करना चाहते हो तो आप विजिट भी कर सकते हो, एड्रेस और नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। और अगर कोई ट्रॉली के लिए इंटरेस्टेड है तो ट्रॉली भी सर मैन्युफैक्चर करते हैं, इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो आप ट्रॉली भी परचेस कर सकते हो। और इवन जो कि सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है सर की मैन्युफैक्चरिंग का तो जो कि है ये चेयर, उसमें भी आप ऑर्डर कर सकते हो, इसमें भी आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाएगी। और इवन ये भी सर लास्ट 5 ईयर से यूज़ हो रही है इधर। यस सर, लास्ट 5 ईयर से ये भी यूज़। हाँ, ये भी आप इसकी भी अभी कंडीशन देख सकते हो कि 5 ईयर से यूज़ हो रही है, देन टू इस पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और रेगजिन जो क्वालिटी मोस्टली रेगजिन बोलते हैं कि ख़राब हो जाता है या उसको स्क्रैचेस टाइप आ जाते हैं, बट आप देख सकते हो कि इस पर अभी कुछ भी नहीं आया है, सेम वैसी वैसी कंडीशन में है। तो 5 ईयर तो ऑलमोस्ट निकल गया। और आगे आप क्या बोलते हो, आपका एस्टिमेट क्या है कि कितना और चल जाएगी? हम लोग तो लाइफ का भी गारंटी दे सकते हैं बट अभी देने के लिए कम से कम ये और 5 से 6 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको देखो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो जाएगा फिर उसको यूज करते हुए। तो गाइस आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इसके यूज़ पे लेके कि ये इजी यूज़ हो पाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया कि इजी यूज़ हो जाएगा, बट अगर फिर भी आपको क्वेश्चन है तो हम लोग आपको लाइव डेमो दे रहे हैं जिसमें पर्सनली सर खुद शेव करके बताएंगे और कैसे यूज़ करते हैं वो भी सब पूरा डिटेल्स उसमें बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर। तो अब जो नीचे का रिंग देख रहे हो उस पर ईजली आप पैर रख के मूव कर सकते हो और फिर देख रहे हो आपकी कैसा यूज़ कर रहे हो, वो एकदम ईजी है, उसका मूवमेंट भी ईजीली हो रहा है। तो ये थी चेयर्स के ऊपर वीडियो। तो सर इसका बेनिफिट आप थोड़ा बता दीजिए। सर इसका बेनिफिट एक है कि जिसको लॉन्ग टर्म खड़े रह के काम करना पड़ता है तो उसका ये चेयर यूज करने से उसको वेरिकोस वेन्स की कभी तकलीफ नहीं होती। करेक्ट, जहाँ हॉस्पिटल में ऑपरेशन का खर्चा 50-60 हजार आता है, लाख रुपए खर्चा आता है, यहाँ पे अगर 30-40 हजार का भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और जिसके वजह से आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, कभी बीमार नहीं होते हो और एग्जर्शन भी कम आता है। फ्रेश मूड में जहाँ आप नॉर्मल खड़े रह के जितने क्लाइंट कर रहे हो वहाँ पे बैठ करके आप डबल से काम कर सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी को एग्जर्शन हो ही नहीं रहा। करेक्ट राइट, तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको पैर में प्रॉब्लम है तो आप एकदम बेस्ट चेयर परचेस कर सकते हो। तो सर मैं बहुत लक्की फील कर रहा हूँ कि इंडिया के जो फर्स्ट चेयर है जो आपने इन्वेंट की हो वो मुझे शूट करने का मौका मिला। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए।
तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है परचेस करने के लिए, एड्रेस और नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो उधर से परचेस कर सकता है इजिली। तो चलो फिर ये वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलते हैं बहुत जल्द कोई नई सी वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम बी सेफ एंड हैव फन। पीस आउट। We'll be right back.